जैगम मुर्तजा की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी वह था पुलिस की ब्रेक फेल। इस केस के तहत हमने जाना कि पुलिस हमेशा ही अपनी धौंस में रहती है और उस धौंस के चलते किसी की जायज बातों को भी मानने से इनकार कर देती है। हमने जाना कि किस तरीके से ट्रक ड्राइवर के अलर्ट होने के कारण बस का पहले एक्सीडेंट होता है, किसी तरीके से वो काबू में आती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर पुलिस उसी बस को स्टार्ट करने की जिद करती है। ड्राइवर समझाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि ड्राइवर जो है वो बहानेबाजी कर रहा है। बस स्टार्ट होती है तो जैसा कि ड्राइवर ने सोचा था उसका अंजाम बिल्कुल वैसा ही होता है एक और एक्सीडेंट के तौर पर। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और साथ ही ये भी जाना कि हर बार की तरह इस बार भी गलती जो है वो पुलिस की नहीं ड्राइवर की ही काउंट होती है। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और अन्य केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के केस का टॉपिक है दरोगा का तबादला। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आम जनता की जेब काटते काटते कभी खुद पुलिस की भी जेब कट जाया करती है। सुनिए, दरोगा का तबादला। गुलबर्गा कर्नाटक का एक प्रमुख शहर है। आधिकारिक तौर पर गुलबर्गा शहर कुलबर्गी जिला का मुख्यालय है। यह राजधानी बेंगलुरु से करीब 660 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यहां से सिर्फ 220 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस लिहाज से गुलबर्गा के पूरे इलाके पर हैदराबाद की भाषा और संस्कृति का असर बेंगलुरु से ज्यादा नजर आता है। इस शहर की आबादी करीब 6 लाख है। गुलबर्गा शहर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की दरगाह के अलावा प्राचीन बौद्ध विहार और शरण बसेश्वर मंदिर के लिए भी मशहूर है। गुलबर्गी यानी गुलबर्गा में राज्य हाईकोर्ट की बेंच भी है। इस लिहाज से आसपास के जिलों में भी इसका महत्व है। इतिहास में तलाशने पर करीब 6वीं सदी में इसका जिक्र मिलता है, जब इसका इलाका राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं के बीच संघर्ष का गवाह बना। कुछ दिन राष्ट्रकूट वंश के कब्जे में रहने के बाद यह शहर लगभग 200 साल तक चालुक्य शासकों के कब्जे में रहा। इसके बाद 12वीं सदी तक कलचुरी वंश के शासक इस इलाके पर काबिज रहे। कृष्णा और भीमा नदियों के दरमियान बसा गुलबर्गा सन 1321 के आसपास दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की नींव डाली और इस शहर का नाम हसनाबाद रखकर अपनी राजधानी बनाया। 18वीं सदी में गुलबर्गा एक बार फिर मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। मुगलों का सूरज डूबा तो हैदराबाद के निजाम की ताकत बढ़ी और फिर देश आजाद होने तक गुलबर्गा निजाम के हैदराबाद राज्य का हिस्सा रहा। मैं तो ये सब बातें सुनकर पढ़कर हैरान हूं कि कहां जैगम मुर्तजा जी पत्रकारिता के पेशे में फंस गए। कायदे से तो उन्हें एक इतिहासकार होना चाहिए था। खैर, इतिहास हमारा मकसद नहीं है। क्योंकि शहर का जिक्र छिड़ा तो सोचा कि चलो बताते चले। बहरहाल हमारी कहानी के दोनों किरदार इसी शहर में रहते हैं, एक स्थानीय पत्रकार और दूसरा विभाग में अधिकारी। तो ये पहला केस है जो उत्तर प्रदेश के बाहर का हम पढ़ रहे हैं। तीनों का एक दूसरे से वास्ता पड़ना ही है, चाहे एक दूसरे को पसंद करते हों चाहे न करते हों। पुलिस और पत्रकारों का रिश्ता परिभाषित करना काफी मुश्किल है। पुलिस का छपास रोग, मतलब अपनी गुडवर्क की छपाई अखबारों में करवाना, और पत्रकार के भीतर खबरों की भूख दोनों को एक दूसरे के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इसके बदले में दोनों एक दूसरे से काम भी खूब निकलवाते हैं। पत्रकारों के वक्त बेवक्त की सिफारिशें और पुलिस वालों की अधिकारियों तक बात पहुंचाने की फरमाइशें इतनी होती हैं कि बस पूछो मत। वैसे ये ट्रेड सीक्रेट है और यहाँ बताना धंधे के उसूल के खिलाफ है। तो कह सकते हैं कि पुलिस और पत्रकार एक दूसरे के फॉल्स अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूजे का महत्व नहीं, जैसे कि दिन और रात। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक इंस्पेक्टर और एक पत्रकार की। संयोग से दोनों की रोजी रोटी कुलबर्गी यानी गुलबर्गा में ही बंधी थी। ये बात वर्ष 2021 की शुरुआत की है। बैजनाथ उन दिनों पुलिस की जिला अपराध शाखा में तैनात थे। मजे से जिंदगी कट रही थी। बस एक छोटी सी परेशानी थी, कुछ महीने पहले वे
जेवर्गी नामक नाम के एक पुलिस स्टेशन में तैनात थे। वहां धांसू दरोगागिरी चलती थी। यहाँ अपराध शाखा में काम तकरीबन बाबूगिरी वाला था। अपराध शाखा में करने के लिए ज्यादा काम नहीं होता, काम होता भी है तो दफ्तर थाने की बराबरी नहीं कर सकता, वह भी तब जब दरोगा जी के पास थाने का प्रभार हो। भला कोई थाना प्रभारी अपराध शाखा में जाना चाहेगा? बैजनाथ जी भी नहीं चाहते थे, वह तो बुरा हो पंचायत चुनावों का। उनके थाना क्षेत्र में चुनाव के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस पर जांच की जिम्मेदारी आई। लोग जांच से संतुष्ट न थे। लोगों की राजनीति ने दरोगा जी की कुर्सी को लील लिया। विवाद बढ़ा तो बैजनाथ का तबादला अपराध शाखा में कर दिया गया। दरोगा जी अपराध शाखा में आ तो गए लेकिन यहां मन नहीं लगता था। थाने वाले वाला रसूख, लोगों की सुबह शाम हाजिरी, इलाके में रौब और मातहतों का सलाम सल्यूट, यहाँ कहाँ। बेचारे सिवाय सब्र के और कर भी क्या सकते थे, सो मन मारकर काम कर रहे थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन बैजनाथ जी की मुलाकात कासिम पाटिल से हुई। कासिम पाटिल कुलबर्गी में जनशक्ति न्यूज के एक चैनल में बतौर संवाददाता काम कर रहा था। कासिम की उम्र रही होगी यही कोई 30 साल, लेकिन वह था तेज तर्रार। पत्रकारिता में आने का एक फायदा यह भी होता है कि अधिकारियों में सुबह शाम की उठ बैठ हो जाती है, मतलब उनसे कोऑर्डिनेट करने को मिलता है, कम्युनिकेट करने को मिलता है, तो कई तरह के रिश्ते भी बन जाते हैं। कासिम भी दिन भर इस दफ्तर से उस दफ्तर चक्कर लगाता, कहीं खबर मिल जाती तो रिकॉर्ड करा लेता, वरना चाय नाश्ते के जुगाड़ खोजता। वह उस रोज किसी खबर के सिलसिले में अपराध शाखा गया था। बैजनाथ जी को बातचीत में लड़का सभ्य और समझदार लगा। जिला स्तर पर सभ्य, सौम्य, समझदार जैसे लफ्ज हालांकि पत्रकारिता शब्दकोश के लिए अजनबी माने जाते हैं, लेकिन बैजनाथ ने कासिम को अच्छा लड़का मान लिया। हालांकि कासिम के साथ काम करने वालों के लिए यह हैरानी की बात हो सकती है। खैर, दोनों में बातचीत हुई, चाय पानी का दौर चला, मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ और दोबारा मिलने के वादे के साथ कासिम वहां से चला गया। अब चूंकि कासिम क्राइम बीट कवर करता था तो बैजनाथ से उसकी मुलाकातें होनी लाजमी थी। दोनों के बीच रिश्ते मजबूत होते चले गए। एक दिन बैजनाथ ने कासिम के सामने दिल की बात रख दी। उसने अपने तबादले का किस्सा बताया और वापस किसी थाने में पोस्टिंग पाने के लिए कोई जुगाड़ पूछा। कासिम बैजनाथ जी को अपने मोबाइल में तमाम नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखा चुका था। बैजनाथ को लगा कि लड़का उनका काम करा सकता है। कासिम ने बैजनाथ से कहा कि वे जिले के आला अधिकारियों से मिलकर बात करेगा और फिर बताएगा। उसने बैजनाथ को भरोसा दिलाया कि काम 100% हो जाएगा, बस उसे पुलिस कप्तान से मिलकर पता करना पड़ेगा कि यह तबादला उनके स्तर से हो सकता है या किसी नेता की सिफारिश चाहिए। इस पर बैजनाथ ने कहा कि अगर इस काम में कुछ पैसे भी खर्च हों तो वह कर देगा। जाहिर है कि थाने में तैनाती मिल जाए तो रिश्वत में गए पैसे रिश्वत के रास्ते ही वापस भी आ सकते हैं या आ जाते हैं। दिन गुजरते गए। इस बीच बैजनाथ ने कासिम को एक दो बार याद भी दिलाया। कासिम बैजनाथ को काम हो जाने का भरोसा दिलाता रहा। एक दिन कासिम बैजनाथ के दफ्तर पहुंचा और बोला कि पुलिस अधीक्षक मॉरिस जॉर्ज से उसकी बात हो गई है और काम हो जाएगा। बैजनाथ के लिए तो इतना ही सुनना भर ही किसी बड़ी खुशखबरी से कम ना था। वह खुली आंखों से थाने में तैनाती के सपने देखने लगे। हर वक्त उसे सल्यूट मारते सिपाही, सर सर करते दफ्तरी, बाबूजी बाबूजी करते फरियादी नजर आते। उसके ख्यालों में वो दिन रात घूम जाते। जब वह सरकारी जीप से निकलता था तो लोग सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। कासिम ने बैजनाथ को एक मोबाइल नंबर दिया। उसने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सेमी मॉरिस जॉर्ज का निजी नंबर है। साथ ही उसने हिदायत दी कि इस नंबर पर कभी कॉल न करें, बस व्हाट्सएप मैसेज ही भेजें। कप्तान साहब मैसेज देकर खुद जवाब दे देंगे, वो जैसा बोले वैसा ही कर देना। बैजनाथ ने नंबर फोन में सेव कर लिया। उसके बाद व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखकर इसकी पुष्टि भी कर ली। प्रोफाइल में पुलिस कप्तान की ही तस्वीर लगी थी। तो अब आप जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस
के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, और ये कोई आम नागरिक की तरफ से नहीं, खुद पत्रकारों की तरफ से भी ऐसा हो सकता है। उस वक्त बैजनाथ ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। शाम को घर पहुंचकर बैजनाथ जी नहाए धोए खाना खाया और फिर इत्मीनान से बैठकर एक संदेश टाइप किया। बैजनाथ ने व्हाट्सएप पर हेलो सर लिखकर भेजा। कुछ देर बाद उधर से हेलो का जवाब आया। बैजनाथ को थोड़ी तसल्ली हुई। कुछ औपचारिक संदेशों के बाद उन्होंने एसपी के नंबर पर अपने मन की व्यथा लिख कर भेजी। उन्होंने बताया कि कैसे वे बेवजह फंस गए और थाने का प्रभार उनसे छिन गया। इस बातचीत में एसपी ने बैजनाथ को भरोसा दिया कि उनका काम हो जाएगा, लेकिन उन्हें इस सिलसिले में अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन बैजनाथ के पास उसी नंबर से एक मैसेज आया। उसमें 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। बैजनाथ ने तुरंत बताया था अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बैजनाथ को लगा कि या तो एसपी को पैसों की जरूरत है या फिर ये उसके तबादले की एवज में बतौर रिश्वत मांगे जा रहे हैं। खैर, 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। बैजनाथ तबादला आदेश का इंतजार कर रहे थे। ये 4 दिन काफी बेचैनी में कटे थे। एक अजीब सी खुशी बैजनाथ के भीतर थी। 4th दिन भी तबादले का आदेश नहीं आया। शाम होते होते बैजनाथ के व्हाट्सएप पर फिर एक संदेश आया। इस बार उसने 6 लाख रुपए की मांग की गई थी। यह रकम थोड़ी ज्यादा थी। 2.5 लाख रुपए वे पहले ही ट्रांसफर कर चुके थे। उन्होंने तुरंत पैसे नहीं भेजे। बैजनाथ रास्ते भर हिसाब जोड़ते रहे। फिर उनको लगा कि 8.5 लाख की भरपाई भी किसी तरह हो जाएगी। कम से कम किसी थाने का प्रभार तो मिले। हिसाब किताब जोड़ते रात हो गई। आखिर खाना खाने के बाद बैजनाथ ने फैसला कर लिया। उन्होंने उसी अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बैजनाथ को उम्मीद थी कि अगले दिन तबादले का आदेश जरूर आ जाएगा। शाम तक तबादले का आदेश नहीं आया। अब बैजनाथ के लिए एक एक पल काटना भारी पड़ रहा था। उन्होंने रास्ते से ही व्हाट्सएप पर हेलो सर लिखकर मैसेज भेजा, लेकिन घर पहुंचने तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर लिखा कि सर आर यू देयर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बैजनाथ की अधीरता बढ़ती गई और इसके साथ ही उनकी मैसेज टाइप करने की रफ्तार भी। उन्होंने 100 से ज्यादा मैसेज उस नंबर पर भेज दिए, लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिला। दरोगा बैजनाथ ने अगले दिन उस नंबर पर कॉल किया। 1 बार घंटी गई, 2 बार घंटी गई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन फोन उठा ही नहीं। अब बैजनाथ का दिल डूबने लगा। उन्हें लगा कि 8.5 लाख रुपए डूब गए। फिर भी उन्होंने अपने दिल को दिलासा दिया, शायद अधिकारियों के पास पैसे गए होंगे, अभी वहां से संदेश नहीं आया होगा और इसलिए सर रिप्लाई नहीं कर पाए होंगे। 3-4 दिन और इसी तरह गुजर गए। हर जाते पल के साथ बैजनाथ का विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उनके पैसे डूब गए। उन्होंने कासिम को फोन किया। कासिम ने बैजनाथ को सब्र से काम लेने की सलाह दी। उसने बताया कि एसपी बेईमान नहीं है, अगर काम नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। बैजनाथ ने उस वक्त सब्र करना ही बेहतर समझा। सब्र तो बैजनाथ ने कर लिया, लेकिन हर वक्त दिल तबादले में और निगाहें मोबाइल से आने वाले संदेशों पर टिकी रही। वे बार बार व्हाट्सएप खोलते और उस नंबर को चेक करते। 1-2 दिन ही गुजरे थे कि उन्हें वह नंबर ऑनलाइन नजर आया। बैजनाथ ने कोई संदेश भेजने के बजाय उस नंबर पर अपने दूसरे फोन से व्हाट्सएप कॉल की। इस बार फोन उठा। बैजनाथ की आंखों में चमक आई, लेकिन जितनी तेजी से आंखें चमकी थी उतनी ही तेजी से बुझ गई। दूसरी तरफ से आई आवाज किसी महिला की थी। पृष्ठभूमि में कोई बच्चा रो रहा था। बैजनाथ को जहां तक खबर थी एसपी मॉरिस जॉर्ज के घर में कोई छोटा बच्चा ना था। उस महिला ने बैजनाथ को बाकायदा सलाम किया और सिर्फ उर्दू में बताया कि वो रिपोर्टिंग करने निकले हैं और फोन घर पर भूल गए हैं। बैजनाथ समझ गए कि कासिम ने ही एसपी बनकर उनको चूना लगा दिया है। अपराध शाखा का अधिकारी धोखाधड़ी का शिकार बन चुका था। बैजनाथ को कुछ देर तो सांस ही नहीं आई। जब उनके होश आवाज वापस लौटे तो मन में कई गालियां भी थी, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे। दरोगा बैजनाथ के 8.5 लाख रुपए उनके मौसेरे भाई सॉरी पत्रकार दोस्त ने ठग लिए थे, और उनके पास नजदीकी पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था।
तो ये किस्सा आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। दूसरों को ठगने वाली पुलिस कभी कभी खुद भी ठगी का शिकार हो जाया करती है। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किस्से के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम। धन्यवाद।